गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज द चैप्टर लॉगरिथम्स। जनरल डेफिनेशंस आर गिवन हियर, यू हैव टू राइट एंड लर्न बोथ इन योर फेयर कॉपी। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन एंड फॉर एनी रियल नंबर ए, we defined a to the power n as a to the power n. We can write in expanded form a into n, a into a into and so on up to n times. Here a to the power n is called nth power of a. A to the power n ko nth power of a kahenge, where a is base. ए को बेस कहेंगे और एन को एक्सपोनेंट कहेंगे, एंड एन इज एक्सपोनेंट, ए बेस होता है और एन एक्सपोनेंट होता है। एग्जाम्पल 2 to the power 4, तो इसमें बेस हो जाएगा 2 और एक्सपोनेंट हो जाएगा 4, एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा। इसके बाद में निगेटिव इंटीग्रल पावर, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन एंड फॉर एनी नॉन जीरो नंबर ए, नॉन जीरो नंबर ए, वी डिफाइन ए टू द पावर माइनस एन। ए की पावर माइनस में दी गई है, इसको पॉजिटिव पावर में चेंज करने के लिए 1/a^n लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2 to the power -3 है, इसको पॉजिटिव नंबर में चेंज करने के लिए 1/2³ हो जाएगा। इसके बाद में सम लॉज ऑफ इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स, ये रूल्स दिए गए हैं, लॉज दिए गए हैं, इनको लिखना भी है और लर्न भी करना है। फर्स्ट लॉ है ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। सेकेंड लॉ ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस एन। एक ये फार्मूला हो गया। अगर यहां पर m और n की वैल्यू हो तो a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी एक फार्मूला, इसको लिख लेंगे और लर्न कर लेंगे। थर्ड लॉ है a टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर mn। पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है। फोर्थ लॉ a b होल पावर n, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये पावर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ए टू द पावर एन और बी टू द पावर एन। सिमिलरली ए अपॉन बी होल पावर एन, ए टू द पावर एन अपॉन बी टू द पावर एन हो जाएगा। रेशनल एक्सपोनेंट्स ऑफ ए रियल नंबर एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू ए, इफ इट इज गिवेन x टू द पावर n इज इक्वल टू a, तो यहां से पावर रिप्लेस करेंगे, हटाएंगे तो a टू द पावर 1/n हो जाएगा। ये n 1/n में आ जाएगा, या इसको दूसरे फॉर्म में nth रूट ऑफ a लिख लेंगे, nth रूट ऑफ a लिखेंगे। इसका मतलब यही होता है a टू द पावर 1/n, जो रूट में नंबर लिखा होता है पावर में 1/n करके उसको लिखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज 4.1। अब इसके 64 के फैक्टर कर लेंगे, 4 4 जा 16 16 4 जा 64, पावर 1/3। अब 4 × 4 × 4 को हम लिख सकते हैं 4³ होल पावर 1/3,
पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है 4³ × 1/3, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा = 4। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एक्स वाई जेड बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, सिंप्लीफाई, यानी एक्स वाई जेड को पॉजिटिव रियल नंबर्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। अंडर रूट एक्स को लिख सकते हैं x^(1/2)-2/3 (y^4। इस अंडर रूट को लिखेंगे (x^(-1/2)), इस अंडर रूट को पावर में 1/2 लिखेंगे। अब इसके बाद में पावर के ऊपर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है (x^(1/2)-2/3। इसी तरीके से (y^(4)(1/2)-(x^(1/2)-(y^-1/2)-1/2). अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, तो ये आ जाएगा (x^(-1/3) (y^2)/ (x^(1/2)-1/4, 1 और 1 का मल्टीप्लाई 1, 2 2 4। इसके बाद में डिवीजन में पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, (x^(-1/3)-1/2), ये (-1/3) और डिवीजन के बाद (x^(1/2) है, तो ये माइनस में 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से (y^(2)-, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, फिर ये लिखा (-1/4), ब्रैकेट में (-1/4), इसको सॉल्व करेंगे (x^(2)/3 का एलसीएम लेंगे 6, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 6 -2 -6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 (y^(2), ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 1/4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे (x^(-5/6) इसका एलसीएम लेंगे (y^(4), ये एलसीएम 4, 4 2 8 + 1। अब आगे सॉल्व करेंगे अब ये निगेटिव पावर है पॉजिटिव में चेंज करने के लिए 1/(x^(5/6) (y^(9/4), ये हो जाएगा। अब इसके बाद में इसका 1 को (y^(9/4) से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा (y^(9/4)-(x^(5/6), ये आंसर हो जाएगा। जो आंसर लाना है वो पॉजिटिव रियल नंबर्स में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का (part 6) देखेंगे। ये (x^2) लिखा है (√)(x^2) और ये (√) लगा है तो (power)/3, इसको लिखेंगे (x^2)/(1/3) (whole)। ये (√) आप लिखा है तो 1/4। अब पावर के ऊपर पावर जो होती हैं उनका मल्टीप्लाई हो जाता है (x^2)/(1/3)/(1/4), 2 1 2, 2 2 4, तो ये आ जाएगा (x^(1/3)/6, ये आंसर हो जाएगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4th। अब ये जो क्वेश्चन दिया है इक्वल में 28 अंडर रूट 2, तो आंसर हमको ये लाना है, यानी लेफ्ट हैंड से सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे LHS। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसके स्मॉलेस्ट फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, 3 to the power -3 इंटू 6 को लिख सकते हैं 2 into 3 whole power 2 इंटू 98 के फैक्टर करेंगे तो 2 into 7 into 7 आ जाएगा अपॉन 5 square into 1/25 whole power 1/3 इंटू 15 को लिखेंगे 3 into 5 whole power -4/3 into 3 to the power 1/3। आगे सॉल्व करेंगे 3 to the power -3 इंटू, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 square into 3 square into 2 into 7 into 7 को लिखेंगे 7 square और अंडर रूट को पावर में लिखेंगे 1/2 upon 5 square 1/25 को लिखेंगे 1/5 square whole power 1/3 इंटू ओपन करेंगे 3 to the power -4/3 into 5 to the power -4/3 into 3 to the power 1/3 इसको सॉल्व करेंगे। अब ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती हैं तो 3 to the power -3 और 3 to the power 2 है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो +2 हो जाएगा into 2 square। यहां ब्रैकेट ओपन करेंगे 2 to the power 1/2 into 7 square into 1/2 upon 5 square into, अब ये इसको ऊपर ले जाएंगे 5 to the power -2 हो जाएगा और इंटू में 1/3 into 3 to the power -4/3 into 5 to the power -4/3 into 3 to the power 1/3। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आगे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3 to the power -1 into 2 to the power 2, 2 square है तो 2 और into 1/2 तो +1/2 into 7 upon। अब यहां पर आ जाएगा 5 to the power 2 प्लस, इसको प्लस में ऐड करेंगे तो -2/3 आ जाएगा, -2/3 फिर प्लस -4/3 -4/3 इंटू, अब 3 to the power -4/3 +1/3 आ जाएगा। अब इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 to the power -1 into 2 to the power 5/2, 2 plus 1/2 सॉल्व करेंगे 5/2 आ जाएगा, into 7 upon 5 square -2/3 -4/3 into 3 to the power 4 में से 1 निकल जाएगा, -3/3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 to the power -1 into 2 to the power 5/2 into 7/2, ये आ जाएगा 5 to the power LCM हो जाएगा 3, 3 to the power 6 -2 -4
इंटू थ्री टू द पावर माइनस वन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा थ्री टू द पावर माइनस वन इंटू टू टू द पावर फाइव अपान टू इंटू सेवन अपान फाइव टू द पावर सिक्स माइनस सिक्स अपान थ्री इंटू थ्री टू द पावर माइनस वन, इसको सॉल्व करेंगे तो ये थ्री टू द पावर माइनस वन और ये थ्री टू द पावर माइनस वन ऊपर नीचे कट जाएगा तो ये आ जाएगा इसको लिख सकते हैं टू स्क्वायर इंटू टू टू द पावर वन अपॉन टू इंटू सेवन और ये आ जाएगा फाइव टू द पावर जीरो, सिक्स में से सिक्स निकल गया जीरो बचेगा और किसी भी नंबर की पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू वन होती है तो टू स्क्वायर को लिखेंगे फोर इंटू सेवन इंटू टू टू द पावर वन अपॉन टू को लिखेंगे अंडर रूट टू, किसी भी नंबर की पावर जीरो होती उसकी वैल्यू वन होती है तो ये जाएगा फोर सेवन जा ट्वेंटी एट अंडर रूट टू आर एच एस प्रूफ।